हड़ा की कृषि उपज मंडी में गुरुवार को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को पीएम नरेंद्र मोदी ने एलसीडी टीवी के माध्यम से किसानों को संबोधित किया, लेकिन हड़ा की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों की मौजूदगी ना के बराबर रही। इस कार्यक्रम में सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही मौजूद रहे। यहाँ किसानों को बैठने लगाई गई अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। भाजपा ने कार्यक्रम की जवाबदारी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को सौंपी थी। कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि सेक्टर खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण सहित अन्य विषयों पर जानकारी दी और इस दौरान 100 साल के 100वें वर्ष तक जो हमारा सफ़र है उसके विषय में जानकारी दी। पीएम मोदी ने किसानों के लिए लाभकारी संदेश तो दिया, लेकिन इसे सुनने उनकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही मौके पर मौजूद रहे। भाजपा के हटा विधायक और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किसानों तक पीएम मोदी का संदेश पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। शायद यही वजह रही कि इस मौके पर सिर्फ हटा भाजपा विधायक एवं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उपस्थित रहे। हटा से आकिब खान की रिपोर्ट। बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम। नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों, स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है योगी आदित्यनाथ जी, अन्य सभी महानुभाव देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और बहनों, देश के कृषि सेक्टर खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे खोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती का हम सबके सामने विचार दिया, उसके सृजन की दिशा में और उसके साथ में किसान हूं। मैंने बचपन में अपने हाथ से हल भी चलाया है, पशुपालन भी किया है, अपने हाथ से खेती करने का मुझे शौक उस समय भी था।